चलो प्यारे दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास पढ़ के आए थे उससे हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है मैं इसको तीन मेथड से डिस्कस करता हूँ और जो सबसे लास्ट वाला मेथड है वो हम उसके क्वेश्चन कराएंगे, वो सबसे बेहतर है। तो तीनों मेथड को समझ लो कि इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे करते हैं। अगर इनिशियली हम सबको कॉन्सेप्ट पता है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है और तो रेस्ट में रहेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा जब तक अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। दोनों तरीके से कर सकते हो बात। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें एक स्मूथ सरफेस होता है, ये जो सरफेस होता है उसमें स्मूथ होता है। ठीक है, ये जो एक प्लैंक होता है, इस प्लैंक का जो है, इस प्लैंक का मास मैं कैपिटल एम ले लेता हूँ और इसकी लेंथ एल ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो आदमी है स्मॉल एम का है और ये इसकी हाइट नेगलेक्ट करो, पॉइंट नेगलेक्ट करो इसकी हाइट, पॉइंट आदमी है। ठीक ना, पॉइंट बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आदमी हमें निकालना है, स्टिल द मैन रीच द अदर एंड ऑफ द प्लैंक एंड स्टिल द मैन रीच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक। ठीक है, पर दो केसेज है, अगर ये आदमी यहाँ से यहाँ आ जाता है तो हमें प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस प्लैंक कितना मूव किया, और साथ साथ अगर सेंटर ऑफ मास पे आता है तो कितना मूव करेगा। ठीक है, चलो, तो इसको करने का आपको पता है कि यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ग्राउंड पे और प्लैंक के बीच फ्रिक्शन जीरो है, और यहाँ पर तो फ्रिक्शन रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये आदमी चलेगा कैसे यार? ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ चल ही नहीं सकती यार। दुनिया का सबसे महंगी गाड़ी लेके आओ और स्मूथ सरफेस पे रख दो, ठीक है, वो चलेगी ही नहीं यार। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन यहाँ होगा, ठीक है, तभी तो आदमी चलेगा। तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स, यही हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है ना, यही हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है यार। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये जब आदमी इधर आया तो ये जो प्लैंक है वो एक्स इधर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, और ये एक्स, यही हमें डिस्प्लेस निकालना। तो जब ये आदमी उठ के यहाँ जाएगा तो समझना दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, एक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ। तो भाई जब उठ के यहाँ आ गया तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आदमी का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, ठीक है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैपिटल एल। ठीक है भाई, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो प्लैंक के रिस्पेक्ट से मैं देखूंगा तो कैपिटल एल, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आएगा। ठीक है, तो चलो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आ गया भाई, जब ये आदमी उठ के इधर आ गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये कितना हो गया। ठीक है भाई, ग्राउंड से अगर देखोगे तो एक्स तो प्लैंक ही उतर गया है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी लेंथ एल है, पूरी की पूरी लेंथ एल है। तो अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो ये आदमी ये L माइनस ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वाली डिस्प्लेसमेंट आ गया L माइनस एक्स, क्योंकि यार देखो क्योंकि प्लैंक भी तो उधर गया ना x, तो प्लैंक भी उधर गया है x, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले वो यहाँ था अब यहाँ आ गया। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पहले मैं एक ग्राउंड ऑब्जर्वर से देखता है तो ऑब्जर्वर से बोलेगा कि पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यही तो चला भाई। ठीक है, तो L माइनस एक्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड L माइनस एक्स। तो ये बात ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है वो जो आदमी का डिस्प्लेसमेंट है वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में L है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर पूछता है तो L माइनस एक्स, मतलब पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा कि प्लैंक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब कितना इधर गया। ठीक है, तो इसके करने के तीन तरीके बताता हूँ, तीन मेथड बताता हूँ, तीनों को आप अप्लाई कर सकते हो और जो आपको अच्छा लगे। पर मेरा सजेशन ये है कि किसी एक के साथ मतलब स्टिक हो जाओ, उसके साथ चिपक जाओ, वही बार बार लगाते रहो, और सबसे लास्ट वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं।
ठीक है। सबसे पहला मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये है, जो फर्स्ट मेथड ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड वो ये कहता है कि अगर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, जो ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन है वो तो एक इंटरनल फोर्स है। द प्लैंक प्लस मैन इज ए सिस्टम, प्लैंक जो है, प्लैंक और मैन एक सिस्टम है, ठीक है, और अगर ये दोनों सिस्टम है तो फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो ऑन सिस्टम, ठीक है। मैन मैन प्लस प्लैंक, मैन प्लस प्लैंक जो है वो एक सिस्टम है यार, ठीक है, वो एक सिस्टम है। तो जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो एक इंटरनल फोर्स काउंट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये बात, अब एक्स एक्सिस में यार कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस में जो फोर्सेज लग रहे हैं वो जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लॉ पढ़ के आए हैं, इससे पहले थ्योरी में पढ़ के आए हैं कि अगर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्स एक्सिस में अगर इंटरनल पार्टिकल डिस्प्लेस होते हैं तो उससे सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस नहीं होगा यार, है ना, बात चमक गई, बात क्लियर है। तो एक्स एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आदमी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी है यार, ठीक है, तो जहाँ भी है उसके मूव करने से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो पहले तो इसका मतलब ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पहला मेथड ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली, ठीक है, ये लॉजिक है। चलो तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली लिखते हैं, इनिशियली लिखते हैं क्या होता है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है ना। चलो ओरिजिन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो यहाँ पर, ठीक है, और यहां से मैं डिस्प्लेस करता। अब एक एक का वैल्यू रखेंगे, पहले आदमी का मास m है, आदमी को पॉइंट मास ट्रीट करो, बहुत छोटा, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा। तो आदमी का मास m है और आदमी का जो m1 पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, x1, x1 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 पार्टिकल। तो m1 पार्टिकल आदमी यहां है तो आदमी का सेंटर ऑफ मास कहां है, l डिस्टेंस पर है, प्लस l, क्लियर है। दूसरा प्लैंक, प्लैंक का मास कैपिटल एम है, ठीक है, और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ है यार, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास रॉड है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा एल बाई टू पे, तो यह आ जाएगा एल बाई टू, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं समेशन ऑफ मास इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, क्लियर हो गया। तो इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको ये बात क्लियर हो गई, ये थोड़ा सा साइड में रखो, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली, फाइनली ये आदमी उठ के यहां आ गया दूसरे एंड पे। तो अब देखना, थोड़ा सा इसमें समझना, तो आदमी का मास एम और आदमी यहां, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यही होगा, दैट इज एम एक्स प्लस प्लैंक के लिए, प्लैंक का मास कैपिटल एम है, ठीक है, और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास प्लैंक का यहां आ गया होगा ना यार, तो ये तो रहा एल बाई टू, ए रहा एल बाई टू, और ये यहां से ओरिजिन यहां लिए हो तो एक्स और इस एंड से एल बाई टू, मतलब ये आ जाएगा एक्स प्लस एल बाई टू और डिवाइडेड बाई वही पुरानी कहानी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, इसको और इसको, इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, क्यों इक्वेट करूंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में चेंज ही नहीं होगा, जहां सेंटर ऑफ मास इनिशियली था वहीं फाइनली रहेगा, तो एक्स सी एम, ठीक है, एक्स सी एम इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू एक्स सी एम फाइनली, ठीक है, बता चुके क्योंकि एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लो, यही सोल्यूशन है। तो फर्स्ट और दोनों को इक्वेट करोगे तो ये कैंसिल हो गया और इधर बचा स्मॉल एम एल प्लस कैपिटल एम एल बाई टू इज इक्वल टू, इधर बचा एम एक्स, ठीक है, प्लस कैपिटल एम एक्स प्लस कैपिटल एम एल बाई टू, तो कैपिटल एम एल बाई टू, कैपिटल एम बाई टू खत्म हो गया। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल एम एल, ठीक है, स्मॉल एम एल, और ये आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, है ना, आ गया समझ में।
ये पहला मेथड हुआ। पहले मेथड में क्या करेंगे हम, देखो हमें बेसिक लॉजिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगता तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता उस एक्सिस में, ठीक है। तो ये इनिशियल लिखो, फाइनल लिखो, दोनों को इक्वेट करो, सोल्यूशन आ गया, ठीक है। पहला मेथड है, ठीक है। चलो अब दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है तो इसी का पार्ट, बट वो थोड़ा शॉर्टकट में इतना नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बट हाँ, वो है तो इसी का पार्ट जो आपको मैं एक बार बताया था, ठीक है। हाँ, सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड जो है वो मैं आपको बताया था शुरू में कि अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो बदला ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास जो है, डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, सिस्टम इनिशियली रेस्ट है तो, ठीक है। तो अगर उसके लिए मैं M1 डेल्टा X1 इज इक्वल टू M2 डेल्टा X2 करके मैं आपको डिराइव किया था इसको, ठीक है, इससे रिजल्ट आया था। तो M1 पहले के लिए लगाए, ठीक है। तो पहले के लिए पहला आदमी है, ठीक है। तो आदमी पहले को मैं आदमी M मान लेता हूं। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यार, आदमी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ, L-X। तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट L-X, और दूसरा प्लांक है तो प्लांक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट x हो गया। तो ये आ जाएगा ML इज इक्वल टू x कैपिटल M प्लस स्मॉल m और कैपिटल M, कुल मिला के x की वैल्यू आ जाएगी ML और आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक ना। ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड है, ठीक है। चलो अब तीसरा और सबसे अच्छा वाला, जिसे हम लगभग सभी क्वेश्चन को करेंगे, और वो थोड़ा उसको मैं ज़्यादा टाइम तक समझाऊंगा और ढंग से समझ समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे और ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलो समझना, अगर आदमी यहाँ पर है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अगर आदमी यहाँ पर है, ठीक है, अब आदमी अगर उठ के आ गया, ठीक है, उठ के आ गया, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, समझना, इस लाइन पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। चलो तो आदमी अगर इधर आ जाता है तो प्लांक इधर डिस्प्लेस हो गया होगा, ठीक है। ये जो प्लांक का डिस्प्लेसमेंट है कुछ एक्स यहाँ आ गया, तो जो आदमी है वो इधर आ गया, ठीक है। अभी ये कैसा है, स्मूथ सरफेस पे, पूरी कहानी कहाँ हो रही है समझना, स्मूथ सरफेस पे हो रही है, सरफेस पे हो रही है। तो ये जब उठ के इधर आ गया, ठीक है, तो प्लंक इधर डिस्प्लेस हो जाए, जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं रहेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जहां था वो वहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर है। पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है, रॉड का सेंटर ऑफ मास, एक्स इधर आया तो रॉड का सेंटर ऑफ मास एक्स इधर डिस्प्लेस हो गया होगा, मिला के ये एंड एक्स इधर डिस्प्लेस हो गया, समझना, सेंटर ऑफ मास एक्स आगे बढ़ गया होगा और ये एक्स इधर से आगे बढ़ गया, ये बात समझ में आई। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। इस मेथड में मुझे क्या करना है, इस मेथड में सबसे पहले हमें इमेजिन कर लेना है कि सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं कर रहा है, तो अगर ये रफ सरफेस पे मैं रख दूं तो क्या होगा, पहले ये सोचो। अब इसको, ये स्मूथ सरफेस है और इसको मैं ले जाके एक रफ सरफेस पे रख दिया, समझना, यहां पे मैं एक रफ सरफेस पे, समझना, अब एक रफ सरफेस पे रख दिया मैं, और ये इसको मैं फिक्स्ड कर दिया, मैं मान लिया कि प्लैंक मूव नहीं कर रहा है। अगर प्लैंक मूव नहीं कर रहा तो ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है और आदमी यहां है। अब आदमी अगर इधर मूव करता है तो प्लैंक मूव नहीं कर रहा है, स्मूथ को उठा के रब पे रख दिया, प्लैंक मूव नहीं कर रहा, तो इमेजिंग करो जब आदमी इधर आएगा स्मॉल मास, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी इधर ही मूव करेगा। तभी तो भाई, जब प्लैंक यहाँ आ जाएगा, जब ये आदमी यहाँ आ जाएगा तो प्लैंक मूव नहीं किया, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ये मिड पॉइंट है, तो इस सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आया।
देखो पहले एक कहानी स्मूथ सरफेस पे है जहां सेंटर ऑफ मास फिक्स है, एक कहानी रफ सरफेस पे है जहां सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, ठीक है। अब इससे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे वो समझो। अगर ये फिक्स है, ये वेज कहीं नहीं जा रहा, ये फिक्स है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो उठ के इधर आ जाएगा। तभी तो भाई सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हैवियर के पास रहेगा, तो ये मास आदमी इधर आया तो इसका सेंटर ऑफ मास भी हो गया। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस था तो सेंटर ऑफ मास एक्स डिस्टेंस इधर मूव किया। अब समझा, अगर सेंटर ऑफ मास निगेटिव एक्स में मूव किया, समझो, क्योंकि ये फिक्स है। अब ये अगर ये स्मूथ होता, समझना, स्मूथ होता तो इस प्लैंक को आगे जाना, इधर ये आदमी इधर आ रहा है तो इस ये प्लैंक आगे जाएगा। मान लो सेंटर ऑफ मास को यहीं रहना है, भाई ये सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन है। अब सेंटर ऑफ मास को तो फिक्स रहना है, सेंटर ऑफ मास को फिक्स रहना है, तो अगर ये आदमी इधर जाएगा तो प्लैंक को स्मूथ सरफेस पे इधर जाना पड़ेगा जिससे सेंटर ऑफ मास वहीं रहे यार। अगर प्लैंक फिक्स है रफ सरफेस पे, तो अगर ये आदमी आए इधर आएगा तो सेंटर ऑफ मास भी इधर आएगा। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास निगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हो रहा है तो प्लैंक जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हो रहा है, और इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास वहीं रहना है तो प्लैंक को एक्स इधर जाना पड़ेगा जिससे सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो कुल मिला के जो समरी है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा थोड़ा फिर, अगर ये जो है सेंटर ऑफ मास निगेटिव एक्स एक्सिस में, ये जो है वो सेंटर ऑफ मास निगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हुआ एक्स, तो प्लैंक जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस होगा प्लैंक, ठीक है, और वो भी एक्स डिस्प्लेस ही होगा। तो इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, वो हम डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पहला पार्टिकल मास m1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दूसरे पार्टिकल मास m2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस m1 प्लस m2 एंड प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी पार्टिकल हैं सभी का हम ऐसे कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, अगर सेंटर ऑफ मास इधर आ रहा है तो प्लैंक इधर जाएगा, और सेंटर ऑफ मास अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्लैंक इधर जाएगा निगेटिव में, है ना। चलो इसको लगा के यहाँ पर देखते हैं, जितने भी पार्टिकल हैं इस फार्मूले के, बहुत पावरफुल है और काफ़ी अच्छा है यार, इसे बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। चलो अब एक आदमी देखो, एक आदमी यहाँ पर है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पर है और बाद में वो आदमी यहाँ आ गया, ठीक है ना, बाद में वो आदमी यहाँ पर चला आया, यहाँ पर चला आया, इसी से क्वेश्चन करना, बाद में आया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको मान लेना है ये स्मूथ नहीं है, फिक्स है, मान लेना है ये स्मूथ नहीं, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट, जब ये उठ के इधर आ गया तो ये आ जाएगा माइनस डिस्प्लेसमेंट एल, ये उठ के इधर आ गया यार, तो माइनस डिस्प्लेसमेंट एल, और ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये उठ के इधर आ गया, माइनस डिस्प्लेसमेंट एल, इसका मास एम है, और डिवाइड करते हैं प्लस प्लैंक, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास रफ सरफेस पे रख दिया हूं मान लिए तो जीरो, और इसका स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, निगेटिव साइन शो कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास इधर मूव किया होगा, सेंटर ऑफ मास इधर मूव किया होगा, तो ये प्लैंक जो है वो इधर मूव करेगा पॉजिटिव में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास या डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक जो है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो प्लैंक आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस स्मॉल एम अपन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और कैपिटल एम, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को अगर आदमी दूसरा पार्ट इसमें पूछा था, ठीक है, दूसरा पार्ट पूछा था कि अगर आदमी इस एंड पर नहीं आता है, यहाँ पर आता है तो कितना होगा, दूसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन था इसका, पार्ट टू था, पार्ट टू ये कहता था कि ये आदमी उठ के, ठीक है, ये आदमी उठ के सेंट, अब ये यहाँ पर था, ये आदमी समझना, ये आदमी
ठीक है, कहां पर आता है ये आदमी, यहां पर पहले था और अब ये सेंटर ऑफ मास पे आ गया है, ठीक है, रॉड के सेंटर मिड पॉइंट पे आ गया है। तो ये एक्स अब कितना होगा, तो आसानी से निकाल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, या ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, पूरे पूरे जो प्लैंक है उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, जो डी लिखोगे, डी लिखोगे, ठीक है, पहले लिखो डी, तो पहले जब डी लिखोगे, ठीक है, तो पहले आदमी के लिए लिखो, यहाँ से जब ये आदमी इधर आया तो ये माइनस एल बाई टू पर आया है और स्मॉल एम, और प्लैंक फिक्स है तो ये चला नहीं, ठीक है, रफ सरफेस पर रख दिए, तो इसका मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी इज इक्वल टू माइनस माइनस एम एल बाई टू और डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो कि निगेटिव आई कैप में है, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है। तो जो प्लैंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, तो प्लैंक जो डिस्प्लेस हुआ होगा वो प्लस एम एल बाई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल है, जो कि पॉजिटिव इधर की साइड में है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसमें कभी कभी ये पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें पूछता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इतना है, ठीक है, दिस इज द, ठीक है, दिस इज द, बेसिकली ये एक्स है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक एक्स है। तो इसमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ से निकाल सकते हो, एल माइनस एक्स, और ये एक्स पहले से ही निकाल चुके हो, एल एक्स स्मॉल एल एम एल, और ये आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के इक्वल, ठीक है, ये कैपिटल एम है, ठीक है, ये कैपिटल एम है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो एम एल एम एल खत्म हो गया, ठीक है, और ये आ जाएगा कैपिटल एम, ये आ जाएगा कैपिटल एम एल और डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। दिस इज वॉट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेइंग एल है,